तो गाइज मूवी की स्टार्ट होती है कार्तिका नाम की एक लड़की से जो अपने दोस्त के साथ उसके भाई के घर में जाती हैं, जहाँ पे उसके लाइब्रेरी में एक किताब मिलती है कार्तिका को, जिस बुक का नाम डार्क टेल्स था। और इसे देखकर काफ़ी कार्तिका भावुक हो जाती हैं, क्योंकि इससे उसे लगता था कि इस बुक से कार्तिका का इमोशन जुड़ा हुआ है, मतलब सालों से इमोशन है इस बुक से, ऐसा लगता था। तो गाइज मैं बता दूं कि ये जो तमिल मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी का नाम है करुंगा पीएम, और ये मूवी मशहूर सेलिब्रिटी काजल अग्रवाल का है, जिसे आप लोग तो जानते ही होंगे। तो गाइज चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। कार्तिका इस बुक को पढ़ने स्टार्ट करती हैं, और यहाँ से मूवी का सीन कट होकर 100 साल पहले जाती हैं, और एक मीरा नाम के लड़की को दिखाया जाता है, जो मतलब वो बालकनी में बैठी थी। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो मीरा बोलती हैं कि मुझे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है। तो ये लड़का बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास डबल रूम का कमरा है, अगर चाहो तो तुम इजीली वहाँ पे रह सकती हो। फिर मीरा वहाँ पे रहने लगती है उस लड़के के साथ, लेकिन उस लड़के का मतलब अच्छा रहन सहन नहीं था, क्योंकि मीरा एक रोज़ देखती हैं कि वो लड़का अपने कमरे से निकल रहा था, और उसके साथ एक सूटकेस था जिसे वो ले जा रहा था, लेकिन सूटकेस जो था वो खून से लथपथ था। और इसे यहाँ मीरा का डाउट होता है, और फिर क्या करती हैं कि मीरा उसे टोकती है, और बाद में मीरा को पता चलता है कि उस सूटकेस में दो लड़कियों का लाश था जिसे ये लड़का ने मार दिया था गलत काम करके। जब उस लड़के को पता चलता है कि मीरा को सब कुछ उसके बारे में पता चल गया है, तो वो भी मीरा को फोर्स करता है कि उसके साथ गलत काम करे, लेकिन मीरा उसे मना करती है। लेकिन फिर भी वो इससे ज़बरदस्ती करता है मीरा से, और अपने दोस्त से वीडियो कॉल पे उसे दिखाता है। बोलता है वो लड़का अपने दोस्त से कि देख यार, एक और लड़की फंस गई है मेरे जाल में, और ये ऐसी लड़की है जो बिन बुलाए मेहमान है, ये मेरे घर में खुद रुकने के लिए आई थी और ये फंस गई, और मैं इसके साथ अब ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। लेकिन उसके दोस्त बोलता है कि तुम उसे कुर्सी में क्यों बांध के रखे हो। तो ये लड़का बोलता है कि ये मान ही नहीं रही है यार, क्या करें। और फिर उस लड़के को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कुर्सी में बस एक रस्सी बंधी हुई थी। और वो इस लड़के को बोलता है, इसका दोस्त, कि पीछे देखो कोई नहीं है, तुम किसे बांध के रखे हो। और जब ये पीछे देखता है तो उसको मीरा दिखाई देती है, लेकिन उसके लड़के के दोस्त को मीरा नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मीरा का एक मंथ पहले ही डेथ हो चुका था, यानी मर गई थी मीरा। और इस बात को रिवील करता है उसके दोस्त उस लड़के का, और ये देखकर वो लड़का बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि जब वो बांध के रखा था कुर्सी पे उस मीरा को, तो मीरा वहाँ पे थी और उसको दिख रही थी, लेकिन पीछे से मीरा आकर इसे भूत बनकर डरा देती है, क्योंकि वो मर चुकी थी सच में। यहाँ पे सीन कट होता है और कार्तिका को दिखाया जाता है जो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि ये कहानी जो दिखाया जा रहा था वो कार्तिका इस बुक में पढ़ रही थी। अब कार्तिका दूसरी कहानी पढ़ने स्टार्ट करती है। दूसरी कहानी में दिखाया जाता है कि एक यूट्यूबर होता है जो एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस के पास जाता है और उसके साथ वीडियो बनाना चाहता है, लेकिन वो घमंडी होती है और वो इस यूट्यूबर को बोलती है कि वो अपना हाथ धो ले पहले। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो एक्ट्रेस अपने फेसबुक पे लाइव आती है और जिस पे 12-15 हज़ार लोग जुड़े होते हैं, और ये एक्ट्रेस अपने जीवन शैली मतलब दिन में जो भी करती हैं काम उसको दिखाती हैं लाइव आकर। इसके बाद पता चलता है कि इसके घर में चोर घुस गया है एक्ट्रेस के, और चोर को ये मारती हैं। यहाँ पे सीन कट होता है और ये दिखाया जाता है कि ये एक्ट्रेस बहुत से लोगों को अपने घर में बांध कर रखी हुई हैं, जिसके हाथ के अंगुलियाँ काट देती हैं ये एक्ट्रेस। और ऐसी एक्ट्रेस से मैं नहीं मिलना चाहूँगा भाई, उस यूट्यूबर के तरह। सीन कट होता है, कार्तिका इस कहानी को पढ़कर बहुत बुरी तरह से डर जाती हैं, क्योंकि एक्ट्रेस ऐसा भला कर सकती हैं। इसके बाद कार्तिका को कॉल आता है उसके दोस्त के, और वो बोलती हैं कि तुम क्या कर रही हो लाइब्रेरी में, मेरे भाई के वो सड़े हुए लाइब्रेरी में कब से वहाँ पे बैठी हुई हो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। कार्तिका अपने दोस्त की बात इग्नोर करते हुए नेक्स्ट स्टोरी के तरफ बढ़ती हैं। नेक्स्ट स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक स्टूडियो में एक लड़की अपना सॉन्ग शूट कर रही थी, जहाँ पे स्टूडियो वाला वहाँ पे लाइट जलाने की कोशिश कर रहा था, यानी मोमबत्ती, क्योंकि लाइट नहीं थी स्टूडियो में, अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन वो मोमबत्ती जल ही नहीं रही थी यार, क्योंकि वहाँ पे कोई भूत का साया था और वो बहुत ही डर गए थे सारे। फिर स्टूडियो में एक लड़की आती है जो रोती हुई मालूम पड़ती है, फिर वो रोते हुए बोलती है कि मेरा घर नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा पति नहीं है, मुझे सब कुछ दिला दो। तो ये स्टूडियो में जो सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही थी लड़की, ये बोलती है कि अच्छा मैं उससे बात करती हूँ।
शायद ये स्टूडियो वाला को समझ रही थी कि स्टूडियो वाला इसका पति है और यहाँ पे रोते हुए वो औरत आई हुई है। फिर जो लड़की सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही थी वो स्टूडियो वाला को देखती है कि वो मरा पड़ा हुआ है और ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है वो लड़की। तभी बाहर आती हैं, बाहर देखती हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग का फोटो लगा हुआ है, जहाँ पे वो लेडी जो आई थी वो भी है उस फोटो में। इसके बाद ये लड़की बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि वो लड़की तो अभी सामने थी और फोटो में कैसे आ गई। इसके बाद यहाँ सीन कट होता है और एक डायरेक्टर को दिखाया जाता है कि वही न्यूज़ पढ़ रहा था कि वो स्टूडियो वाला 1 मंथ पहले कार एक्सीडेंट में मारा गया क्योंकि उसको कोरोना वायरस हो गया था। ये कहानी पढ़कर कार्तिका बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसको अब वहम से होने लगता है कि ये कैसी कैसी कहानी इस बुक में लिखी हुई है। ये सब बातें को इग्नोर करते हुए कार्तिका अब आगे की स्टोरी की तरफ जाती है और नेक्स्ट पन्ना पलटती है। कहानी स्टार्ट होती है दो दोस्त से जो बियर पीने के लिए एक बियर बार में जाते हैं, जहाँ पे उनको अजीबोगरीब आदमी दिखते हैं, यानी लोग दिखते हैं, और ऐसा मालूम पड़ता था कि वो एलियंस हैं। फिर एक एलियन लेडी आती हैं और बोलती हैं कि तुम लोग को क्या चाहिए, मियाँ खलीफा चाहिए या दारू चाहिए या बिस्की चाहिए या बियर बार, कैसे तुम लोग को मूड बनाओ। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फाइनली इन दोनों दोस्त का विश पूरा होता है। ये स्टोरी पढ़कर कार्तिका को कुछ अच्छा फील होता है। इसके बाद वो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ती है। कहानी शुरू होता है एक आंध्र प्रदेश के कोटप्पा गांव से, जहां पे गांव के मुखिया बहुत ही परेशान था और गांव के लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। परेशानी के कारण ये था कि वहां पे 5 साल के बच्चे किडनैप होते थे और गायब हो जाते थे, यानी उन्हें मारकर कोई डायन खा जाती थी। और इसी गांव में एक कार्तिका नाम के औरत रहती थी जिसका पति मर गया था, वो विधवा हो गई थी, उसका एक बेटी थी। फिर वो विधवा औरत गांव के मुखिया से मिलती हैं और बोलती हैं कि उसको एक ऐसा अद्भुत शक्ति है कि वो आगे का जो भी होने वाला है उसे वो लिख देती हैं, लिख कर बता सकती हैं कि क्या होने वाला है। मुखिया इस बात पे हंसता है और बोलता है कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और मजाक में लेता है। फिर वो बोलती हैं कि मैं 5 मिनट बाद क्या होने वाला है वो लिख कर तुम्हें बता रही हूँ। तो वो पन्ने पे लिखती हैं कार्तिका जो विधवा औरत थी कि मुखिया के हाथों से लगकर एक मिट्टी का घड़ा गिरेगा कुछ ही देर के बाद, और ये लिखकर पन्ने में मुखिया को थमाकर वहाँ से चली जाती है। फिर मुखिया जब उठता है तो उसके हाथ से एक घड़े से टकराहट होती है जिसे वो घड़ा वहीं पे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर मुखिया थोड़ा डर जाता है। यहाँ पे सीन कट होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है गांव का मुखिया एक बाबा को बुलाता है जो भूत प्रेत चुड़ैलों को पकड़ता है। बाबा मतलब हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो उसको बुलाते हैं बाबा को और मुखिया बोलता है कि यहाँ पे 5 साल के बच्चे को कोई डायन किडनैप कर लेती हैं और उसे पकड़कर मार के खा जाती हैं। तो वो बोलता है बाबा कि क्या कोई यहाँ पे औरत रहती हैं जो विधवा हैं। तो मुखिया बोलता है हाँ रहती हैं। फिर ये बाबा बोलता है कि क्या वो औरत जब जन्मी थी, यानी जब पैदा हुई थी, तो उसके पेरेंट्स मर गए थे। तो ये मुखिया बोलता है कि हाँ सही बात है। तो फिर ये बोलता है कि हाँ वही औरत है जिसका नाम कार्तिका है, वही चुड़ैल है, डायन है। उस दूसरे सीन में मालूम होता है कि ये बाबा ढोंगी है, यानी आसाराम का भाई सासाराम, और कार्तिका के मरे हुए पति के भाई से मिला हुआ है। और जितना भी कार्तिका के पति के जायदाद जमीन धन है उसको हड़पना चाहते हैं उसके मरे हुए पति के भाई, और ये सब षड्यंत्र है। इसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है। कार्तिका को दिखाया जाता है वो विधवा औरत को जो अपने बेटी के साथ रात में सोई हुई है, और अपने बेटी से कार्तिका बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं डायन हूँ, चुड़ैल हूँ, मैं छोटे बच्चे को मारती हूँ, और ये कहकर वो रोने लगती है। दूसरे दिन पता चलता है कि कार्तिका को गांव वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि उस पकंडी बाबा ने बोला था कि कार्तिका ही डायन है, चुड़ैल है, और यही बच्चों को मारती है, जिसके अपराध में गांव वालों उसको कार्तिका को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और यहाँ तक कि कार्तिका की जो 10 साल की बेटी है वो भी कार्तिका को ईंटे से मारती हैं, पूरे गांव वाले भी ईंटे से मारते हैं। फाइनली लास्ट में कार्तिका को एक पेड़ पे लटकाकर जिंदा जला देते हैं। ये दर्दनाक कहानी पढ़कर ये पहली वाली कार्तिका रो पड़ती है। तभी कार्तिका की दोस्त आती हैं और बोलती हैं कि अरे यार जो तू बुक पढ़ रही है उस बुक का राइटर का नाम कार्तिका ही है, यानी तेरा ही नाम है यार।
फिर ये कार्तिका अपने दोस्त से बोलती हैं कि उसने अभी एक स्टोरी पढ़ी है जिसमें कार्तिका नाम की एक लेडी रहती है और उसका पति मर जाता है और वो जो भी लिखती वो सच हो जाता है। तब कार्तिका की दोस्त बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका दूसरा जन्म तू है, मतलब तू ही है कार्तिका जो पहले वाली कार्तिका थी। इस बात को सच करने के लिए कार्तिका एक पेपर पर कुछ लिखती है, उस पेपर में लिखती है कि उसे भूख लगी है, खाना चाहिए। और सच में यार अमेजिंग कमाल हो जाता है, वहाँ पे खाना आ जाता है। और ये देखकर कार्तिका की दोस्त एकदम हक्का बक्का रह जाती है कि ये क्या यार, ये तो सच हो गया। जैसे कि इस लास्ट स्टोरी में बताया गया था कि वो जो विधवा लेडी कार्तिका थी वो जो भी लिखती वो सच हो जाता था, और अभी ये कार्तिका जो स्टोरी पढ़ रही थी ये भी जो लिखी वो सच हो गया। और इस बात को कार्तिका के दोस्त तो मानती ही नहीं है, उसे लगता है कि ये सब मजाक है, झूठ है। और वो बोलती है कि वो पहले से खाना बना कर रखी थी, इसमें कोई नया बात नहीं है। और इस बात को अच्छे से प्रूव करने के लिए कि जो भी कार्तिका लिख रही है वो सही हो जा रहा है, इसको चेक करने के लिए अब की बार कार्तिका के दोस्त बोलती हैं कि तू ये लिख कि सेंटा अपने पैरों से चलकर तेरे दरवाजे पे आ जाए, मतलब खुद चलकर तेरे घर तक आ जाए। और कार्तिका यही सेम चीज़ पेपर पे लिखती है, और ये क्या सच में सेंटा जो क्रिसमस वाला होता है वो सच में आ जाता है कार्तिका के दरवाजे पे और नोक करने लगता है। और फिर क्या, नॉक नॉक, तेरा बाप आया, मूवी एंड।